लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने हरीश चंद्र इंटर कॉलेज वोटिंग सेंटर पर मतदाताओं से बात की। सातवें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है और इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी के हरीश चंद्र इंटर कॉलेज में और हमारे साथ कुछ मतदाता है। इस बार जब आप वोट देने जा रही है, पहली बार दे रही है, तो दिमाग में कई तरह की बातें चलती है। किन मुद्दों के साथ आके आपने मतदान किया? मेरा मुद्दा था डेवलपमेंट और रोजगार, और क्योंकि हम लोग यूथ हैं तो हम लोगों को रोजगार की आवश्यकता होती है, आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, और रोजगार के साथ साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए कंट्री का, तो यही मुद्दा था। अच्छा, काशी का डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि आप डेवलपमेंट के मुद्दे पे, तो क्या लग रहा है काशी का विकास जितना होना चाहिए हुआ है? अगर पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काशी का डेवलपमेंट हुआ है, कई लेवल्स पे हुआ है। यहाँ रोड्स बनी है और भी सनातन से रिलेटेड भी चीजें हुई हैं, जिससे कि यहाँ पे जिससे पर्यटन भी बढ़ा है। चलिए, आपने मतदान दे दिया माता जी ने, तो किन मुद्दों के साथ आपने मतदान किया? जीत जाए। चलिए ठीक है, हम भी इसीलिए कि बस वो जीते तो मतलब देश का भला है। चलिए ठीक है, कुछ आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पोलिंग स्टेशन है, लोग सुबह से ही घरों से निकल रहे हैं, चूंकि गर्मी भी बहुत है इसलिए लोग चाह रहे हैं कि समय से निकले और समय से अपने मताधिकार का प्रयोग करके वो और दूसरे कामों में जुट जाएं। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन जो है वो लगे लोग कतार में है, और अंदर जो पोलिंग की प्रक्रिया है वो जारी है। और अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि थोड़ा सा और आगे और दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो मतदान अधिकारी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ जो भी मतदाता आ रहे हैं उनका जो भी प्रक्रिया है मतदान का, भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी किए गए उन गाइडलाइंस के साथ यहाँ मतदान कराया जा रहा है, मतदान जारी है। और जो तमाम बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो लाइनों में सुबह से ही अपने घरों से निकल रहे हैं और वो यहाँ मतदान कर रहे हैं। सहयोगी रमेंद्र गिरी के साथ नीतीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।